अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं अब्बास हैदर और आप देख रहे हैं YouTube चैनल लाइव पे अब्बास हैदर। आई होप आप सब खैरियत से होंगे और हमारी वीडियोस को एंजॉय कर रहे होंगे। आज की वीडियो में हम कुछ ख़ास वीडियोस शेयर करने जा रहे हैं। वीडियो को मुकम्मल देखिएगा और पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिएगा, और अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि बर वक्त हमारी वीडियोस को देख सकें और एंजॉय कर सकें। आज की ये वीडियो दो वीडियोस पर मुश्तमिल है, जिसमें सबसे पहले वीडियो में आप देखेंगे खूनी चश्मा, जो कि चतराल में वाक़या है, जबकि दूसरी वीडियो में आप देखेंगे हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के दौर में जिन्होंने कुछ कुएँ खोदे थे, उससे मुतालिक एक वीडियो मौजूद है। तो आज की वीडियो बड़ी इंटरेस्टिंग होने जा रही है, वीडियो को मुकम्मल देखिएगा। चतराल शहर से जब आप निकलेंगे खूनी चश्मा देखने के लिए, तो उसके दरमियान में पहले आता है भूनी कस्बा। ये कस्बा भी बहुत खूबसूरत है और तकरीबन 90 किलोमीटर के फासले पर मौजूद है। यहाँ का ट्रैक बहुत ज़्यादा ख़तरनाक है और यहाँ पर बस मैं तो आपसे यही कहूँगा कि आप जीप पर ट्रैवल करें, क्योंकि जीप के अलावा भी जाए तो जा सकता है, लेकिन बहुत ही ख़तरनाक रास्ता है। आगे तकरीबन 33 किलोमीटर सफ़र करने के बाद मसूज आता है। मसूज से आगे फिर बोनी तकरीबन 33 किलोमीटर के फासले पर मौजूद है और ये रास्ता तकरीबन आप तय कर सकेंगे 4 से 4.5 घंटे में आप पहुंच जाते हैं। यहाँ से फिर जब आपको खूनी चश्मा देखने के लिए आप निकलेंगे तो तकरीबन 2 घंटे का पैदल का सफ़र है। आप जीप के ज़रिए मसूज से खूनी चश्मे का रास्ता तय कर सकते हैं, लेकिन बेहतर यह होगा कि आप ये सफ़र पैदल करें, और अगर आप जीप में सफ़र करना चाहते हैं तो वहाँ का किसी लोकल ड्राइवर को हायर कर लीजिए या उसकी सर्विसेज ले लें, क्योंकि आगे का रास्ता बहुत ज़्यादा ख़तरनाक है और ख़ुदा ना खास्ता किसी भी मेजर एक्सीडेंट से बचने के लिए मैं आपको मशवरा यही दूंगा कि आप वहाँ के लोकल ड्राइवर को हायर कर लें। बेहतर ये होगा कि आप ये रास्ता पैदल ही तय कर लें। यहाँ की सीनरीज़ बहुत ही खूबसूरत हैं, अगर आप दाएं तरफ देखें या बाएं तरफ देखें इंतहाई दिलकश मनाजिर आपको देखने को मिलेंगे। पैदल सफ़र करते हुए आपको बहुत ही खूबसूरत मनाजिर देखने को मिलेंगे। एक तरफ आपके पहाड़ होंगे और दूसरी तरफ दरिया, और जिस रास्ते पर आप आगे चलते जाएंगे ये रास्ता आगे बहुत तंग होने जाएगा। जैसा कि आप देख रहे हैं पैदल चलते चलते भी ये रास्ता आगे तंग और ख़तरनाक होता जाएगा, तो कोशिश आपने ये करनी है कि बहुत एहतियात के साथ चलें और अपने दाएं बाएं देखते रहें, क्योंकि एक तरफ आपके पहाड़ होगा तो दूसरी तरफ दरिया और खाई। कोशिश करें कि ये रास्ता बहुत ही एहतियात के साथ तय करें। रास्ता बहुत ही ख़तरनाक है लेकिन बहुत खूबसूरत भी है। यहाँ से पैदल चलते चलते फिर आप अपने असल मुकाम पर पहुंच जाएंगे, यानी खूनी चश्मा। तो दोस्तों, फाइनली हम अपने असल मुकाम पे पहुंच चुके हैं, यानी खूनी चश्मा। इस खूनी चश्मे को लेकर बहुत सारी कहानियां मशहूर हैं, जिसमें सबसे जो फेमस कहानी है वो ये है कि यहाँ पर एक गांव आबाद था और उस गांव में एक भाई ने दूसरे भाई को कत्ल करके इस पहाड़ के नीचे या ऊपर या दाएं या बाएं कहीं
उसको दफन कर दिया था, जिसकी वजह से इस पहाड़ ने ये सुर्ख रंग का पानी निकालना शुरू कर दिया। बहरहाल ये तो एक कहानी है और इसके अलावा भी मज़ीद कहानियाँ मशहूर हैं, लेकिन जो सबसे ज़्यादा मशहूर है वो यही कहानी है। लेकिन दोस्तों, जब हमारे यहाँ पर लोकल लोगों से बात हुई तो उन्होंने ये भी बताया कि यहाँ पर कुछ अर्से पहले साइंटिस्ट भी आए थे और उन्होंने बाकायदा इस पानी पर रिसर्च की है, जिसके मुताबिक इस पहाड़ में लोहे के ज़खायर मौजूद हैं और इसी वजह से इस पानी का रंग या इसका कलर सुर्ख रंग का है। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। दोस्तों, आज की दूसरी वीडियो हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के ज़माने में जिन्होंने कुछ कुएँ खोदे थे उससे मुतालिक है। आइए इस वीडियो को देखते हैं। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के ज़माने में जिन्हों के खोदे हुए ये कुएँ सऊदी अरब के शुमाल में वाक़ शहर रफाह के जुनूब में वाक़ गांव में पाए गए हैं। दफन मीठे पानी के तकरीबन 300 कुएँ हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के हुक्म पर जन्नात ने खोदे थे जब वो यरूशलम से यमन के सफ़र पर थे। ये एक पथरीला इलाका है जिसमें इंसानों की खुदाई नामुमकिन हो जाती है। इसके अलावा ये कुएँ बाकी ज़मीन से ऊंची जगहों पर वाक़ हैं। आम तौर पर कुएँ मैदानी इलाकों में खोदे जाते हैं और वहीं बनाए जाते हैं। इसके अलावा इनमें से कुछ कुएँ बहुत तंग हैं और जिनका कुतर यानी डायमीटर निफ्स मीटर से भी कम है। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए, और साथ ही अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, शेयर कमेंट सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। उम्मीद करता हूँ कि आप हमारे चैनल को इसी तरह सपोर्ट करेंगे। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।